हैं। और इनके यहाँ वाल्वो के ट्रक, मान के ट्रक और मर्सिडीज के ट्रक, साथ में कार भी आती है, उन सबका काम होता है। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चार पांच दिन से मेरा गला बैठा हुआ था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जबकि मेरे पास शारजा के एक वर्कशॉप के लिए दो वैकेंसी आई थी, उसी के बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं। और बेहद खुशी हो रही है ये भी बताने में कि इस वर्कशॉप के लिए मैंने चार पाँच महीने पहले भी वीडियो बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो के थ्रू चार लोगों को नौकरी मिली। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वर्कशॉप के ओनर कह रहे हैं और उनके व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट आपको अभी दिख रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको देते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी कि कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या सैलरी होगी, वीज़ा का क्या सिस्टम होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भाई के चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले मैं आपको इनके वर्कशॉप का लोकेशन बता देता हूं, जो कि है शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 15, जिसको सनैया 15 नंबर भी बोलते हैं। और इनके यहाँ वाल्वो के ट्रक, मान के ट्रक और मर्सिडीज के ट्रक, साथ में कार भी आती है, उन सबका काम होता है। तो उनको दो ऐसे मैकेनिक की ज़रूरत है जिसके पास इन सब गाड़ियों का काम करने का एक्सपीरियंस हो, वो भी गल्फ़ कंट्रीज़ का, 5 से 6 साल का। वीज़ा का जो प्रोसेस है वो ये है कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी पहले आपका काम देखा जाएगा। अगर वर्कशॉप के ओनर जो कि रिजवान साहब हैं उनको आपका काम अच्छा लगा तो फिर वो आपका वीज़ा लगाएंगे। सैलरी उन्होंने बताया कि हम काम देखकर डिसाइड करेंगे, रूम और फूड वो आपको खुद देंगे। और अगर अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो हो सकता है कि वीज़ा का कॉस्ट आपसे ना लिया जाए, नहीं तो आपकी सैलरी से वीज़ा का कुछ कॉस्ट कट किया जाएगा। ये आप उनसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर लीजिएगा अगर आप शारजा के अंदर मौजूद हैं। कोई ऐसा भाई है जो गल्फ में काम कर चुका हो लेकिन वो अभी इंडिया में बैठा हो कैंसिल करके, चाहे जैसे भी, वो अगर जाना चाहता है तो उसको अपना विजिट वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपने आप को दिखाना पड़ेगा। अगर वो उस लायक हुआ, उस काबिल हुआ तो रिजवान साहब उसका भी वीज़ा लगा सकते हैं। अगर इम्प्रेस कर लेंगे तो हो सकता है कि वीज़ा का भी कास्ट बच जाए, नहीं तो वही भाई वीज़ा का आपका सैलरी से कट होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।